उन्हीं की फरमाइश है। ऐसे कैसे कह रहे हो पहले ले लेते अम्मी आशा। चलिए मैं पढ़ दूंगा, दो दो शेर और सुन लेना। आपने जहां इरशाद बहुत खूब एक मतलब बेटियों के हवाले से पढ़ता हूं। इरशाद मतलब सुन रखा है, लेकिन वो कहते ना सबक अगर दोहरा लिया जाए तो वो याद रहता है। जी जी ठीक है। इदा कर रहा रास्ता कर सुने कर। जी जी बेशक सुने 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 के उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं। आए हाय हाय क्या है रे बात हो गई है यार। उनके घर में जलत की खेतियां नहीं होती। बहुत को बहुत उनके घर में जलत की खेतियां नहीं होती। अरे जिनके घर के आंगन में आए जिनके घर के आंगन में बेटियां होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। खुदा की नेमत है, खुदा की रहमत है, लेकिन आज हमने उसे अपने लिए नेमत के बजाय जहमत समझा। तवज्जो रखना, आज हम और आप बेटी को रहमत के बजाय जहमत क्यों मानते हैं? तवज्जो रखना, उसूल हमारा है। इसलिए परेशान आहा क्या लताफत है भाई, बात को आज उम्मत आका इसलिए परेशान है आज उम्मत आका। बात अगर सच्ची हो तो बोलना के इसलिए परेशान है आज उम्मत आका के सुन्नती तरीके पर शादियां नहीं इसलिए परेशान आज उम्मत के सुन्नती तरीके पर शादियां करे तो अल्लाह इसको क्या रुतबा देते हैं। तवज्जो रखना, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाते हैं। बात सच्ची हो तो बोले के मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाते हैं। अरे मेरे घर के मलका भी प्यार से बनाते हैं। फिर भी माँ के हाथों से रोटियां रोटियां नहीं होती उनके घर में जलत थी खेतियां नहीं होती। बात खूब मेरे घर के मलका भी प्यार से बताती अरे फिर भी माँ के हाथों से रोटियां उनके घर में जलत थी खेतियां नहीं होती।